आज के इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनसे हम लोगों ने अपने युवा काल में प्रेरणा ली और जिनसे दृष्टि ली, ऐसे हमारे सम्मानीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री श्याम जाजू जी, यहाँ उपस्थित दिल्ली के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी सांसद, यहाँ मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, बाकी सभी पदाधिकारी हैं, और मैं विजुअल में देख पा रहा हूँ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, हमारे तिवारी जी गाड़ी में सवारी करते हुए मुझे सुन रहे हैं, और उसी तरीके से हमारे विजय गोयल जी मास्क हटा करके वो भी देख रहे हैं, तो दूरदर्शन भी हो रहा है उनका, दूर से लेकिन दर्शन हो रहा है। तो इस वर्चुअल रैली में, वर्चुअल बलिदान दिवस के कार्यक्रम में आप सब जुड़े हैं। मुझे बताया गया है कि हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के जुड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मित्रों, कोरोना का संक्रमण ने हम सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज तो जरूर रखा। एक स्थिति यह भी आई थी कि क्या पार्टी को इस लॉकडाउन अवस्था में क्या लॉकडाउन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे लाखों कार्यकर्ता काम, कैसे करेंगे जनसेवा, कैसे जुड़ेंगे लोगों से। लेकिन मुझे संतोष होता है इस बात को बताते हुए आप सबके साथ कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने इस संक्रमण काल में डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की है और पार्टी को मजबूती दी है। अभी ये बलिदान दिवस है, लेकिन जब मैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं तो मुझे आपके साथ शेयर भी करना चाहिए। आप सब लोगों ने, 8 लाख कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 महीने में 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। 5 करोड़ आपने राशन बांटा है, 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, और लगभग 5 करोड़ हमारी महिला मोर्चा ने, महिला मंडल ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, एनजीओज ने, महिला मोर्चा के नेतृत्व में 5 करोड़ फेस मास्क अपने हाथों से बना करके बांटा है। आप समझिए कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से या वर्चुअल बलिदान दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से इस डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए पार्टी ने किस तरीके से अपने संदेश को पहुंचाया है और किस तरीके से इसका उपयोग किया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें अग्रगणी रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको इसके लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। दिल्ली में मुझे याद है, यहाँ श्याम जाजू जी बैठे हैं, सिद्धार्थन जी बैठे हैं, कभी फ़ोन करो, 500 पैकेट मेरे पास है, कहाँ पहुँचाएँ। हमारे सब लोगों ने इसमें कोशिश की, 15 मिनट में कोई कार्यकर्ता आता था और पैकेट ले जा करके वो ज़रूरतमंद तक पहुंचाता था, ये स्थिति रही है। बहुत अच्छा काम दिल्ली के लोगों ने किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मित्रों, आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके दृष्टि को आत्मसात करते हुए पार्टी को कैसे आगे मजबूत किया जा सकता है, इसके चिंतन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बलिदान दिवस को इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मनाने का तय किया है। संक्रमण कितना भी हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं डिगेंगे, हम रहेंगे अपने बात पर और चलते रहेंगे, इसको आपने चलाया। मित्रों, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चर्चा करते हैं तो जैसा कि आदेश जी ने बताया कि
कि वो एक संभ्रांत परिवार से कलकत्ता में शिक्षाविद परिवार में उनका जन्म 1901 में हुआ। बहुत होनहार विद्यार्थी, 16 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन कर ली, 20 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 22 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बंगला में भी की पोस्ट ग्रेजुएशन, बाद में इंग्लैंड चले गए। संभ्रांत परिवार था, शिक्षाविद परिवार था, पिताजी माताजी का आशीर्वाद था, लेकिन वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। 3 साल में वहां से बैरिस्टर बनकर के लौटे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर नियुक्त हुए। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इसलिए वो किसी के आधार पर, किसी के सपोर्ट पर, किसी के सहयोग से, ऐसा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी विद्वता, अपना कर्म, अपनी ताकत, इसके आधार पर वह वाइस चांसलर बने। यही नहीं, इसके बाद वो लगभग 4 साल तक वाइस चांसलर रहे। मैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार भी बहता प्रवाह था। अगर अपने ही विचार को काट्य कारण बन जाए तो उसको काट्य करते हुए वो सच्चाई को ढूंढने निकल पड़ते थे। इसलिए वो एक बहता प्रवाह थे। अब जब वाइस चांसलर बने, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उस समय गुलामी का समय था, दीक्षांत समारोह में बुलाया, और दीक्षांत समारोह में उनको बंगला में दीक्षांत का भाषण देने के लिए प्रेरित किया। यह पहली बार अंग्रेजों के समय में कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में दीक्षांत की भाषण हुआ हो, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इन्विटेशन पर यह किया था। यह पहला अवसर था। उनका राजनीतिक जीवन, ये ठीक है, वो वाइस चांसलर बने 1933 में, लेकिन वो राजनीतिक जीवन उनका 1929 में ही शुरू हो गया था। वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधान परिषद के सदस्य बने। अब यहां से उनके जीवन को देखिए आप। विधान परिषद का बहिष्कार करने का कांग्रेस पार्टी ने तय किया, वो बहता प्रवाह थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वैचारिक पृष्ठभूमि पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर के फिर जीत करके आए। ये बात हमको समझनी चाहिए। और फिर उन्होंने बंगाल में नेतृत्व भी किया, बंगाल में आगे चल करके उन्होंने संयुक्त सरकार में वो मंत्री भी रहे, मंत्री रह करके मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। यानी आप देखिएगा, उनके जीवन में कोई पद उनका लक्ष्य नहीं था। जब जब कोई पद लक्ष्य के प्रति रोड़ा बना तो उन्होंने उस पद को धिक्कार कर दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन वो उसके साथ आगे चले। इस बात को समझना चाहिए। अब उस समय का कारण क्या था, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के बीच उस समय के अंग्रेज बो रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, और बंगाल को आगे पाकिस्तान में ले जाने की तैयारी हो रही थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चला करके बंगाल के विभाजन के लिए योजन किया, ताकि ये जो आज वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ये भारत का अंग रह जाए। इस बात को उन्होंने कहा, इस बात को हम उनको ध्यान में रखना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान तो बन गया, वो जो ईस्ट बंगाल था। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बार ये इस बात को कहते थे कि अगर जिन्ना ने भारत को तोड़ने की कोशिश की तो हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, इस बात को वो कहा करते थे। और उस समय अर्थ था, सारा आसाम जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम, ये सारे का सारा जाने की तैयारी में था, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा था। लेकिन उन्होंने एक आंदोलन करके बंगाल को भी बचाया, पंजाब को भी बचाया, असम को भी बचाया, और भारत की भारत धरती पर भारत के उसमें रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए।
वो 1941-42 में जहां मंत्री बने राष्ट्रवाद से, उसके बाद वो आकर्षित हुए, मंत्रिपरिषद उन्होंने छोड़ा, वो राष्ट्रवाद से आकर्षित हुए, हिंदू महासभा में गए, हिंदू महासभा की दृष्टि से उन्होंने काम को शुरू किया और काम को अंजाम देने का प्रयास किया और कोशिश ये की कि समाज की सेवा की जा सके। इसी समय में बहुत बड़ा अकाल बंगाल में आया था, एक संक्रमण आया था। उस अकाल के दौरान 1943 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की लीडरशिप अपने हाथों में संभाली और सबसे बड़ा सेवा कार्य उनके नेतृत्व में बंगाल में हुआ। और लोग याद रखते हैं कि उनके दिल में जो मलहम लगाने की ताकत थी, लोगों को आत्मसात करने की ताकत थी, लोगों का सहयोग करने की ताकत थी, बंगाल के लिए जब उन्होंने अपील की तो लोगों ने बड़ी मात्रा में उनका सहयोग किया और दो समितियों का गठन करके उन्होंने धन भी अर्जित किया समाज के लिए और अनाज भी इकट्ठा किया और बड़ी मात्रा में बंगाल के लोगों की सेवा की। और उससे वह बंगाल में उनकी एक अपना अपनी छवि बनाई, लोगों में रिस्पेक्ट के साथ साथ एक प्यार ममता बिखेरने वाला, ममता देने वाला ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम सबको जीवन देखने को मिलता है और ये सब उनके साथ हमने देखा है। बाद में वो सांसद बने, जब सांसद बने तो उस समय भी वो संयुक्त विपक्ष के नेता और प्रवक्ता बनाए गए। उस समय अकाली दल भी जुड़ा विपक्ष के दृष्टि से, बाकी छोटे दल जुड़े, इंडिपेंडेंट्स जुड़े, सबका नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिया गया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी समय हालांकि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे लेकिन वो सांसद थे, उस समय महात्मा गांधी ने एक विचार दिया था कि हमको पार्टी से बाहर के लोगों को भी मंत्री बनाना चाहिए और दो लोग उस समय मंत्री बनाए गए थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून मंत्री बने थे और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उपभोक्ता मंत्री और उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री की दृष्टि से उन्होंने जहां चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री खड़ी की, रिफाइनरीज खड़ी की, बड़े बड़े काम किए, लोकोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर में खड़ा किया, एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंगलोर में उन्होंने बंगलुरु में काम किया, एक अपनी छवि बनाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बहता प्रवाह थे और विचार के व्यक्तित्व, व्यक्ति नहीं विचार थे, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ और नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत ये तय हुआ कि जो विभाजन हुआ है उस विभाजन में जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनकी चिंता हर एक देश, लियाकत अली इसकी चिंता पाकिस्तान में करेंगे और भारत में जवाहरलाल नेहरू इसकी चिंता करेंगे कि माइनॉरिटीज के बारे में देखरेख हो। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत सीरियस प्रश्न उठाया और सीरियस प्रश्न ये था कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का रिलीजियस परसिक्यूशन कहां हो रहा है, हिंदुस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट से ज्यादा संख्या में मुसलमान भारत में हैं और पूरी इज्जत के साथ रह रहे हैं, दिक्कत तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में आई है, 23% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई, 24% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई, आज तो ये जनसंख्या 3 और 7 रह गई है, बांग्लादेश में 7% रह गई, पाकिस्तान में 3% रह गई, लेकिन उस समय 30 बहुत तीव्र गति से घट रहा था। और लियाकत अली उस समय जो पैक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इट इज ए लिप सर्विस, ये सिर्फ कहने के लिए है, ये हो नहीं रहा है और नेहरू जी आप गलत तरीके से इसमें एंटर कर रहे हैं, इससे देश का हित नहीं होगा। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग धार्मिक कारणों से वहां प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहां बसाया जाए, सभी नेताओं ने इस बात को कहा लेकिन वहां पर यह कहा गया मत आओ तुम्हारी सुरक्षा होगी और वो सुरक्षा नहीं हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कह दिया कि हम इस मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। बाद में हमारे यहां भी
महात्मा गांधी के शहादत के बाद उस समय के कारणों से आरएसएस पर बैन हुआ था। बाद में आरएसएस पर बैन उठा क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सेवा कर रहा था। उस समय गुरु गोलवर्कर जी ने तय किया कि हमारा भी राजनीतिक दृष्टि से विचार के प्रदान होना चाहिए, और धीरे धीरे हम सबको मालूम है कि उस विचार को बढ़ाते हुए हमारे सभी लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई तो उस समय शुरुआती दौर में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक जम्मू कश्मीर में एक खिचड़ी पक रही थी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी, और वही खता वो जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया था। उस जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहा गया था कि जहां जहां तक की जमीन महाराजा हरि सिंह के आधिपत्य में है वो भारत के गणराज्य में शामिल होता है, और भारत के संविधान के प्रथम शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में 15वीं स्टेट के रूप में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विराजमान होता है, यह उसमें जोड़ा गया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां कुछ ना कुछ योजना बनाना शुरू किया। बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तक पहुंची। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू दिन से इस पर हमला बोला कि जब कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हो चुका है, 15वां राज्य घोषित जम्मू कश्मीर हो चुका है, सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी राज्य बन चुका है, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्पेशल दर्जा दिया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के समय खिचड़ी पक रही थी, और इस खिचड़ी में पकने में क्या था कि हम उसको विशेष दर्जा देंगे। उस विशेष दर्जा को देने के लिए संविधान सभा में आर्टिकल 370 को रखने का काम किया गया। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इसको अय्यंगर साहब ने उस समय रखा था, और उस समय उन्होंने कहा दिस इज ए टेम्पररी फेज, ये टेम्पररी है धारा 370, दिस विल गो, ये क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एग्जिस्टेंस में उसकी विधानसभा नहीं है इसलिए हम ये धारा 370 दे रहे हैं, एंड दिस विल गो, इस तरह की बातचीत उस समय कही गई। लेकिन शेख अब्दुल्ला के इरादे कुछ और थे, और जवाहरलाल नेहरू जी का उनको प्रोत्साहन देने के इरादे कुछ और थे। क्या हुआ कि हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर का भी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का भी झंडा और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, भारत का संविधान भी, और जब तक उसको जम्मू कश्मीर रेटिफाई न करे तब तक वो संविधान का अंग न बने, और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। अभी धारा 370 समाप्त होने के बाद हमने अपने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था संविधान में, जम्मू कश्मीर की संविधान में सोशलिस्ट शब्द नहीं था, नहीं उन्होंने जोड़ा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसी समय जब यह बीज बोया जा रहा था उसी समय इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, और बड़े मुखर होकर के उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी, और यह कहा कि दो वजीर आजम नहीं रह सकते, दो संविधान नहीं रह सकते, और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप जो कर रहे हैं इसके बारे में जो भी आपके मन में विचार है वो आप पार्लियामेंट में रखिए, देश जानना चाहता है, देश समझना चाहता है। न शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया, न उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाया, न ही उनसे गुफ्तगु की, न ही उससे चर्चा की, और बिना चर्चा के उस तरफ अग्रसर हो गए, और इसी अग्रसर होने में धारा 370 लगा। हमारी सेवाओं में सिर्फ रोड्स बनाना, डिफेंस की सर्विसेज, बाकी सारी की सारी सर्विसेज का विषय कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को चला गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि जब 35 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें 4 करोड़ मुसलमान हैं, वो अगर पूरे आन बान शान के साथ भारत में रह सकते हैं, तो 25 लाख मुस्लिम वो श्रीनगर में एक साथ सुकून के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? और जब महाराजा हरि सिंह ने सारी की सारी भूमि एक्सेशन कर दी है, तो इसके बाद क्या, कहां से यह सवाल आता है? शेख अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये परमिट राज को तोड़ने के लिए चलूंगा। भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष थे, हम सबको मालूम है। 8 मई को वो पटना दिल्ली से चले, ट्रेन में उनके साथ बलराज मधोक भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बाकी लोग भी थे। रास्ते में हर कोई उनको देखने के लिए उमड़ा, एक नजर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पड़ जाए, एक नजर। और मुझे जहां तक बताया गया कि अमृतसर के आसपास पहुंचने के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलराज मधोक को वापस भेज दिया और ये कहा कि तुम देश में इस लड़ाई को, इस आवाज को तेज करने के लिए तीव्र गति से लगो, सारी पार्टी को झोंको, सारी पार्टी उसमें लगे, और इस काम को तुम जाकर के दिल्ली में इसको अंजाम दो, इसको आगे बढ़ाओ। वो 8 तारीख को चलते हुए 11 तारीख को वो लखनपुर बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तो ये मुझे अरेस्ट करेंगे। वो इनर लाइन परमिट की बात थी, तो वो परमिट राज के खिलाफ ही लड़े थे। और नारा क्या था? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसी बात की लड़ाई लड़ी थी। तो वो परमिट के विषय का जब आया तो उनको लखनपुर में अरेस्ट कर लिया गया। हम सब लोग जानते हैं उस समय उन्होंने अटल जी को संदेश दिया था कि अब तुम भी लौट जाओ और जाओ, मेरा संदेश सब लोगों को दो, सारे लोगों को दो, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई को जीत हासिल करेंगे। इधर देश में जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए थे, प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक लड़ाई, एक अपने हक की लड़ाई शुरू हो गई थी। हम सबको मालूम है कि उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके उनको श्रीनगर ले जाया गया और श्रीनगर ले जा करके उनको जेल में डाल दिया गया। हम सब ये भी जानते हैं कि 23 तारीख को रहस्यमय तरीके से, यानी 11 मई को वो अरेस्ट हुए थे, 8 मई को दिल्ली से चले थे, 11 मई को अरेस्ट हुए थे, 23 जून को आज के दिन 1953 लगभग 11 बजे ये डिक्लेयर किया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। उनकी डेथ 5 घंटे पहले हो चुकी थी, वो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं था कि अस्पताल में कब भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस कारण से भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उनको क्या बीमारी लगी थी। एक रहस्यमय तरीके से श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो बलिदान हो गए। हम सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि खंडित भारत का, अखंडता के लिए लड़ता हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला बलिदान था। इस बात को हमको समझना, पहला बलिदान। इसीलिए मैंने कहा वो विचार थे, वो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे, उन्मुक्त विचारों के साथ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग उस विचार के प्रति उनकी प्रखरता हम सबको मालूम है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब पत्रकार ने शेख अब्दुल्ला से पूछा, जब उनकी बॉडी श्रीनगर के एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए रवाना हो लगी, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा आई हैव गॉट नो कमेंट्स टू गिव। आप सोचिए कि कितना इनह्यूमन और कितना, जिसे कहते हैं कि बैर रखने वाला मन एक नेता का स्पष्टता से दिखता है, ये बात निकलती है। इतना ही नहीं, 11 मई के और 23 जून के बीच में जवाहरलाल नेहरू 5 दिन के लिए श्रीनगर गए, 4 या 5 दिन के लिए। न शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा की,
नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से हाल पूछा। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाएं, उसका जवाब नेहरू ने नहीं दिया। ये देश की घटनाएं हैं ऑन रिकॉर्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी ने देहावसान के बाद, बलिदान के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज भी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं इंक्वायरी की, जो रहस्यमय तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, उनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी, यह भी जवाहरलाल नेहरू के न करने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, अनआंसर्ड है। लेकिन मित्रों, जैसा मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम सब लोगों ने तय किया था कि व्यर्थ नहीं जाएगा, वह विचार है, उस विचार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम सब लोग जब कॉलेज की अवस्था में थे, विजय जी उस समय राष्ट्रीय महामंत्री होते थे, पहले मंत्री थे फिर राष्ट्रीय महामंत्री होते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसका नारा लगाते थे, एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कितनी यात्राएं की। और मुझे तो एकता यात्रा में एडवांस पार्टी में जाने का मौका मिला, लाल चौक में 15 दिन पहले पहुंचने का मौका मिला, हमने वो भी दिन देखे हैं। मन में प्रश्न आता था कि क्या हम कभी धारा 370 से छुटकारा पाएंगे, क्या हम मुख्य धारा में उसको शामिल कर पाएंगे, यह मन में प्रश्न था। लेकिन एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल हम कर पाएंगे, इस बात का विश्वास था। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मोदी जी के नेतृत्व में देश की परिस्थिति बदली, राजनीतिक तौर तरीका बदला, राजनीति की संस्कृति बदली, भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनी, एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की और 2019 में अपने बलबूते पर संपूर्ण मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि पर 303 MP जीत करके आए। और ये 303 MP जब जीत करके आए, हमारे विचारों की लड़ाई को एक्सप्रेशन देने का, उसको तर्क के साथ तर्कसंगत तरीके से उन बातों को पूरा करने का समय आया। और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी के 6 साल के ये जो छठा साल है, ये उपलब्धियों वाला साल है और 6 दशक के काम को 6 साल में मोदी जी ने निपटाया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं। मित्रों, राजनीति में लड़ना और लड़ाई लड़ना, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता लंबे समय तक, तीन पीढ़ियां खप गई। आप सोचिए मेरी क्या स्थिति रही होगी जब मैं 5 अगस्त को गृह मंत्री के बगल वाले कुर्सी पर बैठा होऊंगा और गृह मंत्री वो कागज पढ़ रहे होंगे कि मैं धारा 370 को इस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसको निरस्त करता हूं, 35A को समाप्त करता हूं, और उसके बाद कहा गया हो कि आप इस पर वोटिंग दीजिए तो मैं इस उंगली को कितना भाग्यशाली मानता हूं कि वो बटन दबा करके हमको भी उस काम को करने का मौका मिला और करोड़ों लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिला। यहां मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, 6 तारीख को इन्होंने बटन दबा दिया, सबने दबा दिया और धारा 370 धारा शाही हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, वो प्रेम, वो विचार, उसकी लड़ाई को अंजाम देने का काम मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने पूरा किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज हम प्रथम धारा 370 समाप्ति के बाद यह बलिदान दिवस पहला साल है। आप समझिए कि हम पिछले साल भी हमने भाषण दिया था, पिछले साल भी हमने कहा था, मुझे याद है मैं वहां पार्क में दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ गया था तो उस दिन हमने क्या कहा था कि यह धारा 370 की लड़ाई चलेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यह कल्पना कि अगले साल उसको हम पूरा कर पाएंगे, ये इसके खुशी का इजहार हम सब लोग कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप याद करो,
ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने और रहे। मतलब भारत का प्रधानमंत्री अपने सांसद जो अरेस्ट है श्रीनगर में 5 दिन के लिए रहे और पूछे नहीं, और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को न बताए न पूछे, क्या अवस्था रही होगी, किन अवस्थाओं में वो लड़ते होंगे। आज हम भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि हमारा कार्यकर्ता राजनीतिक कारणों से अगर हिरासत में जाता है घंटों में हम वापस लेकर के आते हैं, यह परिस्थिति बनती है घंटों में। एक तो होने नहीं देते, राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना सह नहीं सकते, यह ताकत आ जाइए। लेकिन हमारे देश का नेता, संस्थापक अध्यक्ष, सांसद और वैचारिक पृष्ठभूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक अपना व्यक्तित्व था, पार्टी से ऊपर उठ करके उनका व्यक्तित्व था। उस समय जनसंघ को उनके अध्यक्ष बनने से ताकत मिली थी, यह उनका व्यक्तित्व था, सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे, क्या पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन उस समय जो अंदर पक रहा था जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, जो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर लड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में एक ताकतवर सरकार बनाकर और मोदी जी की इच्छा शक्ति को पूरा करते हुए अमित शाह जी की रणनीति के माध्यम से इसको हम पूरा कर पाए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज ये जो परिवर्तन आया है इसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं धारा 370 की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि कश्मीर की जनता धारा 370 नहीं चाहती थी, वो विकास चाहती थी, वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहती थी। ये तीन परिवार जो हलवा मांडा के दृष्टि से राजनीति में अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। धारा 370 समाप्त होने से पहले 106 कानून भारत के संविधान ने पार्लियामेंट ने पास किए हुए लागू नहीं होते थे। ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था, और कोई नहीं, ट्राइबल कौन है, गुजर और बकरवाल दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन वहां ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था। वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म हो जाए तो पॉक्सो नहीं लागू होता था। महिलाओं के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगता था। भ्रष्टाचार हो रहा था, एंटी करप्शन एक्ट नहीं लगता था। आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगा, वाल्मीकि का बेटा जज भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा। वहां कोई भी काउंसिलर से लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकेगा। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा, वो कहीं भी शादी कर लें, वो कहीं भी किसी से शादी कर लें, उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर की हिस्सेदारी उनको मिलेगी। बच्चों के साथ न्याय होगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा। यह परिस्थिति आज ये धारा 370 के जाने के कारण हुई है। और यह धारा 370 का विचार का प्रवाह का स्रोत, उद्गम स्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन है, उनका जीवन है वो उद्गम स्थान, जिसके कारण से बेबाक बात करने वाले। और देखिए, उन्होंने जो भाषण लखनपुर में भी जो दिया, उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने विचार के बारे में कहा। मैं जब शेख अब्दुल्ला से जानना चाहता हूं कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान कैसे रहेंगे। मैं जवाहरलाल नेहरू से जानना चाहता हूं कि एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे, क्या है आपका अस्तित्व, एक देश में दो झंडे कैसे रहेंगे। उन्होंने ये प्रश्न खड़े किए और उन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे सके। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना त्याग बलिदान लगाकर और तीन पीढ़ियां खपत करते हुए आज ये ताकत आई है कि हम यहाँ पर खड़े होकर के दिल्ली प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया हुआ लक्ष्य पूरा करते हुए उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के इस दृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके ज़्यादा खुशी का विषय क्या हो सकता है। हमें ये सुकून है कि हम कह सकते हैं कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है। एकांगी भारत को पूरा जोड़ने का काम किया है, एक लड़ी में पिरोने का काम किया है। तो मित्रों, मैं इतना ही हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, ये व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहता हूं,
आप सब लोग, हम सब लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, हम कभी कभी काम करते करते दिशा से भटक जाते हैं। राजनीति के प्रलोभन भी ऐसे होते हैं कि हमको भटकाने के लिए बहुत आवश्यक, बहुत बहुत से रास्ते में प्रलोभन भी मिलते हैं, क्योंकि ये राजनीति में सत्ता भी आती है, सत्ता के साथ साथ मन में भटकाव भी आता है। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से कुछ सीखना है तो याद रखना, राजनीति में कभी किसी पद से जुड़ाव मत करना, राजनीति में जुड़ाव करना तो विचार से करना, एक नहीं अनेकों पद मिलते चले जाए, विचार से जुड़ना, उस विचार को मजबूत रखना, वो रहेगा तो हम रहेंगे, वो रहेगा तो पार्टी रहेगी, वो रहेगा तो पार्टी में ताजी हवा आएगी, वो रहेगा तो हम ताजगी में काम कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीखना है तो निर्भीक होना सीखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीखना है तो विचारों के प्रति समर्पण सीखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ से सीखना है तो ज्ञान अर्जन सीखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से कुछ सीखना है तो त्याग करना सीखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सुनना है तो सबको साथ चलाने की ताकत पैदा करो। सच्ची श्रद्धांजलि हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छोटे छोटे से छोटा गुण भी, उसको कण मात्र भी अगर हम अपने में संजो लेंगे तो हम विचारधारा का बहुत भला करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से उनको आज याद करके, और हमारे जो हजारों कार्यकर्ता, विजय जी सर हिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरी बात की हामी भर रहे हैं, अब तिवारी जी भी लगे थोड़ा सा हमारी बात में हामी रखने के लिए, मैं उधर विजेंद्र को भी देख रहा हूँ, बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, मैं विदुरी साहब को भी देख रहा हूँ, वो भी बैठे हैं, आप सब लोग इस तरीके से विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है। मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं, अभी मैं 36वीं वर्चुअल रैली करके आया हूं। असम में मेरे साथ फेसबुक और लाइव कनेक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में जो कनेक्शन दिए गए थे उसमें जुड़ने वालों की संख्या 33 लाख थी, 33 लाख। परसों में राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा, उसकी संख्या 70 लाख थी, और अमित शाह जी जब बंगाल में जुड़े थे तो उसकी संख्या 1 करोड़ थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस वर्चुअल रैली की ताकत क्या है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पार्टी हैज गॉन फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, करोड़ों लोगों को हम संबोधित कर पाए हैं, करोड़ों लोगों को। अभी मैं अपने असम के लोगों को से जुड़ करके आया हूं, उनके साथ मिलकर के आया हूं। तो मित्रों, दिल्ली में 15 मिनट के अंतर पर अगर मैं एक तरफ असम के 33 लाख लोगों से जुड़ सकता हूं और यहां मैं हजारों लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, तो पार्टी कितना कम लागत में कितनी दूर तक अपना संदेश पहुंचा सकती है, इस बात को समझना चाहिए, और इसको भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कहूंगा इसको आगे बढ़ाना चाहिए। घर बैठे लोग व्हाट्सएप पर पूरी लाइव सुन रहे हैं, पूरी लाइव देख रहे हैं, आप समझिए क्या ताकत है इसकी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग करें, जब तक कोरोना का साया है तब तक हम लोग सब लोग स्टे सेफ, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी बट सस्पेक्ट एवरीबॉडी, डिस्टेंस रखना जरूरी है, अपने आप को संभालना जरूरी है, हाथ साफ रखने जरूरी हैं, सैनिटाइजर बारंबार लगाना जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है, दोस्ती भी करनी है लेकिन वो दोस्ती बनी रहे इसलिए दूरी भी रखनी जरूरी है, इस बात को हम समझें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।